राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट ने बुधवार 29 मई को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सोने की तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक की पहचान कांग्रेस नेता शशि थरूर के पूर्व पीए शिव कुमार प्रसाद के रूप में की गई है। अधिकारियों ने आरोपियों के पास से 35 लाख रुपए की कीमत का 500 ग्राम सोना भी जब्त किया। इस मामले को लेकर शशि थरूर ने एक्स पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा, अपने पूर्व स्टाफ से जुड़ी घटना के बारे में सुनकर मैं हैरान हूँ। यह शिव कुमार प्रसाद 72 साल के रिटायर्ड व्यक्ति है, उनका डायलिसिस होता है। हमने उन्हें सहानुभूति दिखाते हुए पार्ट टाइम पर नौकरी पर रखा था। मैं इस मामले में कथित आरोपों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं मामले की जांच में अधिकारियों का पूरा समर्थन करता हूँ। कानून को अपना काम करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कस्टम अधिकारियों ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शिव प्रसाद को पकड़ा था। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 500 ग्राम से ज्यादा सोना मिला। पूछताछ के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि वे इतना सोना लेकर क्यों चल रहे हैं। केरल से तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम सोने की तस्करी करने वालों का अलायंस है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।